हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ दावते टमाटर। पहले हम लेंगे टमाटर जो एक ही साइज के होंगे। ये टमाटर हमने ऊपर से काट लेने हैं और अंदर का जो लंब है वो हमें निकाल देना है। स्पून की मदद से हमें ये लंब निकालना है। ऐसे करके सभी टमाटर के लम्स हमको निकाल देने हैं। देखो ऐसे टमाटर अंदर से बिल्कुल खाली होना चाहिए। सभी टमाटर ऐसे ही हमें कर देने हैं। अब हम उसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। चवाणो है, गाठिया है, बेसन, नींबू और जीरा। चवाणों को हम मिक्स में मिक्स कर लेंगे। देखो ये मिक्स हो गया है। गाठिया को भी हम मिक्स में मिक्स कर लेंगे। देखो ये मिक्स हो गया है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें तेल डालेंगे। फिर इसमें जीरा डालेंगे। फिर इसमें बेसन डालेंगे। फिर 2 से 3 मिनट उसको पकने देंगे। हम इस रेसिपी में सॉल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि गाठिया और चवाणों में पहले से ही सॉल्ट है। फिर इसमें मिक्स किया गया चवाणू डालेंगे। उसे भी 2 से 3 मिनट तक उसमें पकने देंगे। हमें उसे हिलाते रहना है क्योंकि वो चिपक ना जाए। आप नॉनस्टिक पैन लेंगे तो उसमें नहीं चिपकेगा, पर साधारण पैन में चिपकेगा, इसलिए हम इसको हिलाते रहेंगे। फिर इसमें गाठिया डालेंगे। अब हम इसमें नींबू डालेंगे। आप ज़्यादा खट्टा मीठा पसंद करते हो तो ज़्यादा नींबू डालेंगे और शुगर भी। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून शुगर डालूँगी। आपने खट्टा ज़्यादा डाला है तो आप शुगर भी ज़्यादा ही डालना। हमारा स्टफिंग तैयार हो गया। अब हम टमाटर में स्टफिंग डालेंगे। उसे पूरा भरना है ऊपर तक। देखो ये सारे ऊपर तक भर गए हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और उसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे। जब गर्म हो जाए तब इसमें हम हमारा स्टफिंग वाले टमाटर डाल देंगे और उसे 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। अब हम इस पर ढक्कन डाल देंगे। देखो 10-15 मिनट बाद ऐसे टमाटर हो जाएंगे और हमारे टमाटर तैयार है। मैंने टमाटर को गार्निश के लिए इमली की चटनी, दही, सेव और हरा धनिया डाला है। देखो हमारे दावत के टमाटर कितने सुंदर लग रहे हैं। प्लीज़ एंजॉय।